हेलो दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी शहर तो चखा ही होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये मधुमक्खियाँ शहद क्यों और कैसे बनाती है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि मधुमक्खियाँ शहद क्यों और कैसे बनाती है। दरअसल मधुमक्खियों की भी हमारे ही तरह बस्तियाँ होती है। ये बस्तियाँ शहद के छत्तों की बनी होती है, जहाँ ये जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण करती है। इसके बाद ये भोजन के लिए फूलों के पराग से शहद बनाने में जुट जाते हैं। वास्तव में इनके द्वारा शहद बनाना एक प्रकार से अपनी बस्ती की मक्खियों के लिए भोजन जुटाने का काम है। शहद जुटाने के लिए ये फूलों पर जाती है। फूलों में एक प्रकार का नेक्टर यानी कि रस होता है, जिसे मक्खियों चूमकर अपनी शहद की थैली में जमा कर छत्ते तक ले जाती है। शहद की थैली मक्खी के पेट के पास होती है। पेट पर ये थैली को अलग करने के लिए बीच में एक वाल्व होता है। नेक्टर में उपस्थित चीनी में एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्टर में जो पानी होता है वो छत्ते से वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है और पानी निकलने के बाद ये रस शहद बन जाता है, जो लंबे अरसे तक खराब नहीं होता। यही शहद छत्ते में भोजन के रूप में भविष्य के लिए जमा रहता है। इसी को निकाल कर आदमी इसका उपयोग स्वाद और दवा आदि के लिए करता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शहद बनाने वाले मधुमक्खी के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। Thanks for watching.